हम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली वर्सेस जीरन के रिमास्टर वर्जन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है जब ब्रोली को पता चलता है कि वो लेजेंडरी सुपर सैयन है। दोस्तों, इस बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है जॉर्डन डोरहम ने और इसे ड्रॉ किया है ब्लैकबर्ड स्टूडियोज ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। वेजिटा ब्रोली और गोकू को बताता है कि उसके एंसेस्टर्स ने ये सोचा था कि लेजेंडरी सुपर सैयन एक खून का प्यासा मॉन्स्टर है। इसी वजह से सैयंस की आगे की सारी जनरेशंस उसी तरीके से अपने आप को ढालने लग गईं ताकि उनमें से कोई एक सैयन सुपर सैयन की ताकत को अचीव कर सके और एक अल्टीमेट वॉरियर बन सके। और इतनी सारी जनरेशंस का रूटलेस होना ताकि वो सुपर सैयन की ताकत को अचीव कर सके, ये वेजिटा के नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि पर अब हमें पता चल चुका है कि हमारे सभी एंसेस्टर्स गलत थे और तुम कोई खून के प्यासे मॉन्स्टर नहीं हो, बस तुम्हारे सैयन इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पिछले हजार साल में जितने भी सैयंस दुनिया में आए हैं उनके मुकाबले तुम्हारे इंस्टिंक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए लेजेंडरी सुपर सैयन होने के नाते तुम्हारी एबिलिटीज मेरे और कैकरोट के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और तुम्हारा पोटेंशियल भी हमारे मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। तुम कैकरोट के सामने अपनी ताकतें बढ़ाने में इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हो क्योंकि कैकरोट तुम्हारे सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है। पर हाँ, एक बात तो मैं भी मानूंगा कि कैकरोट ने तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी है कि सुपर सैयन की ताकत को कैसे कंट्रोल करना है। ब्रोली ये सभी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी वेजिटा अपनी असली ताकत दिखाता है। वेजिटा बोलता है, ब्रोली समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के जानवर को जागने दो और मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका जानता हूँ इस चीज़ को करने के लिए। ब्रोली कुछ समझ नहीं पाता कि वेजिटा क्या बोलना चाहता है। एकदम से वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और उसकी फॉर्म बदलने लग जाती है। एकदम से उसके बाल पर्पल रंग के होने लग जाते हैं। ब्रोली ने ये फॉर्म पहले कभी भी नहीं देखी है क्योंकि गोकू हमेशा सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करता है, तो पर्पल फॉर्म उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। एकदम से वेजिटा ब्रोली पे हमला करना शुरू कर देता है। वेजिटा एकदम से जाके ब्रोली को अपने सर से हेडबट करता है और इससे ब्रोली को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगती है। ब्रोली अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। ब्रोली के सर पे काफ़ी बड़ा घाव हो चुका होता है और हल्का सा घाव वेजिटा के सर पे भी होता है, पर वेजिटा जानता था कि ये उसके साथ होने वाला है, इसीलिए वो स्माइल करता है और तभी ब्रोली को गुस्सा आने लग जाता है और वो पावर अप करता है। गोकू दूर खड़ा होकर वेजिटा और ब्रोली की फाइट को देख रहा होता है और वेजिटा बोलता है, ब्रोली क्या हुआ, अपने सैयन खून का इस्तेमाल करो। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा को पंच मारने वाला होता है और वेजिटा एकदम से स्माइल करता है। वेजिटा ब्रोली के इस पंच के सामने से जानबूझ के नहीं हटता और ब्रोली का ये पंच वेजिटा के चेहरे पे लगता है और उससे वेजिटा को काफ़ी चोट भी लगती है। पर तब भी हम देखते हैं कि वेजिटा स्माइल करता है और वेजिटा की ये स्माइल काफ़ी ज़्यादा ईवल होती है। वेजिटा हंसते हुए अपने दोनों हाथों को मिलाता है और ब्रोली के सर पर बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत है। हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और वेजिटा उसे ही देख रहा होता है। गोकू भी हैरानी से ब्रोली को देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली खड़े होने की कोशिश करता है। उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत बदलने लग जाती है। वेजिटा बोलता है कि लगता है अगले पड़ाव पर जाने का समय आ गया है। वेजिटा एकदम से डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से एक अटैक बनाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। गोकू समझ जाता है कि शायद उसके इंटरवीन करने का समय आ रहा है। एकदम से वेजिटा ये अटैक ब्रोली पर शूट करता है। वेजिटा का अटैक ब्रोली की तरफ बढ़ता हुआ बड़ा होता जा रहा होता है और ब्रोली उसके सामने से ना हटने का फैसला करता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। आखिरकार वेजिटा का अटैक ब्रोली को जाके लग जाता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस अटैक का फोर्स इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि गोकू को भी इसकी एनर्जी महसूस होती है और उसे भी बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। आखिरकार वेजिटा का किया हुआ अटैक शांत होता है और वेजिटा ज़मीन पर उतरता है। वेजिटा अपने अटैक की तरफ ही देख रहा होता है और वो देखना चाहता है कि ब्रोली की अब क्या हालत है। आखिरकार वेजिटा के अटैक के बाद धूल छटने लग जाती है और हम देखते हैं कि हमें ब्रोली का सर दिखता है, यानी कि ब्रोली अभी भी खड़ा हुआ है। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी फेस करने के बावजूद भी ब्रोली खड़ा हुआ होता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हम देखते हैं कि ब्रोली बिल्कुल सही सलामत है और उसके सुपर सैयन का ऑरा हल्का हल्का ग्रीन होने लग गया है, यानी कि अब वो अपने लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकत का भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। वेजिटा बोलता है, हाँ यही तो मैं चाहता था। गोकू हैरानी से ब्रोली और वेजिटा की तरफ देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से फिर से पागल होने लग जाता है। आखिरकार वो अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। एकदम से ब्रोली अपने माउथ बीम से वेजिटा की तरफ अटैक शूट करता है और वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपने एक ही हाथ से ब्रोली के अटैक को रोकने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है और हम देखते हैं कि एक हाथ वेजिटा की तरफ बढ़ रहा है। ब्रोली ने पिछला अटैक सिर्फ वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था और एकदम से ब्रोली आकर वेजिटा के चेहरे को पकड़ लेता है। वेजिटा को कुछ भी समझ नहीं आया होता
पर वो जानता है कि ब्रोली अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। एकदम से ब्रोली वेजिटा के सर को पकड़ के जमीन में गाड़ देता है, पर तब भी हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे स्माइल है, जिसका मतलब यह है कि उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, और ये बात ब्रोली को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। ब्रोली एक बारी फिर से वेजिटा को उठाता है और एक बारी फिर से उसका सर जमीन में पटक देता है, और इस बारी के अटैक का फोर्स पिछली बारी से भी बहुत ज्यादा होता है और इसमें से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है, पर तब भी हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है। ब्रोली को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटा अभी भी कैसे हंस पा रहा है, पर वेजिटा का मेन मकसद इस वक्त ये है कि वो ब्रोली को गुस्सा दिलाए। एकदम से ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में आके वेजिटा के सर को कुचलने की कोशिश करता है और बहुत ही जबरदस्त केक उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई पहुंच जाता है और ब्रोली के अटैक को रोककर वेजिटा को बचा लेता है। ब्रोली इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमें पता चलता है कि ये गोकू था। गोकू वेजिटा को बचा के ब्रोली से दूर ले आता है और वेजिटा इसके बाद पावर डाउन कर लेता है। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है कि वेजिटा, मुझे लगता है कि तुम ब्रोली के अंदर के मॉन्स्टर को जगाने में कामयाब हो गए हो, और अब ब्रोली का काम है कि उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करे। वेजिटा, अब मेरी बारी है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है कैकरोट। ब्रोली को पता चलता है कि उसके अटैक को रोकने का काम गोकू ने किया था, इसलिए वो अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है, और गोकू ब्रोली के सामने से हटने के बजाय ब्रोली को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। गोकू किसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल ब्रोली पे करता है और ब्रोली का अटैक रास्ते में ही रुक जाता है। उसकी बॉडी को गोकू कंट्रोल कर रहा होता है और ब्रोली को ये बात पसंद नहीं आ रही होती और उसका गुस्सा बढ़ने लग जाता है। गोकू बोलता है, क्या हुआ ब्रोली, तुम ये कर सकते हो? ये बात सुन के ब्रोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। गोकू बोलता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली चिल्लाने लग जाता है और उसके अंदर से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। गोकू उसके सामने ही खड़ा था। गोकू बोलता है, नहीं, अगर ब्रोली ने इस जगह को तबाह कर दिया तो मिरस मुझे नहीं छोड़ेगा। वेजिटा बोलता है, कैकरोट, तुम यहाँ से जाओ, तुम जानते हो कि इसके आगे तुम्हें क्या करना है। गोकू वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है, वेजिटा, तुम सच में एक जीनियस हो। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा अटैक करने के लिए ब्रोली की तरफ बढ़ता है। वो अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करता है और सीधा अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में चला जाता है। वो एकदम से जाके ब्रोली के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है, पर तभी ब्रोली एकदम से वेजिटा के पेट में बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। वेजिटा के चेहरे को देख के पता चलता है कि उसे इस किक की वजह से काफी ज्यादा दर्द हुआ है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। इस बीच में गोकू अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और किसी शख्स को लेने जाता है। ब्रोली और वेजिटा में फाइट आखिरकार शुरू हो जाती है और दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहां पर किसी को टेलीपोर्ट करके ले आता है, और ये होती है चिलाए। चिलाए दूर खड़ी होकर वेजिटा और ब्रोली की फाइट को देख रही होती है। गोकू चिलाए को लेकर यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो ब्रोली को शांत करने में मदद कर सके। चिलाए शायद जानती है कि उसे क्या करना है, और गोकू बोलता है कि चिलाए, तुम यहीं रुको, हम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। एकदम से गोकू अपनी आंखें बंद करता है और तभी हम देखते हैं कि वो किसी तरीके की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये फॉर्म ऐसी है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, पर दोस्तों उसको देखने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना होगा। आज की ये वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।